चोट लगी है कबीर को तो दर्द से हाय निकलनी चाहिए, हाय नहीं निकल रही, तू ही है, तू ही है। यहां जिसको कबीर, कबीर शब्द का तो अर्थ ही है परमात्मा, कबीर शब्द का तो अर्थ ही है परमात्मा। तो परमात्मा परमात्मा को मारे तो कौन दुखी होगा? कई दफे आप ऐसे हाथ रख के बैठे हैं अपने मुंह के साथ और नींद की झोंक आ गई, अपनी उंगली आंख में लग गई, दर्द हो रही है आंख में बहुत जोर से, अपनी ही उंगली लगी है, चोट तो लगी ना, आप क्या करोगे? अपनी उंगली तोड़ोगे, डंडे से पीटोगे उंगली को? तूने मारा मेरी आंख को? नहीं मारोगे। बल्कि कोई पूछे क्या हुआ तो कहोगे कुछ नहीं, बस वो अपनी उंगली लग गई, अपनी लगी। आप रोटी खा रहे हो और खाते हुए में गाल कट गया, अब क्या करोगे? दांत तोड़ोगे अपने? तो कहोगे नहीं, अपना ही दांत, अपने ही होंठ को काट दिया, क्या करेंगे? कुछ नहीं। करोगे कुछ? संत के लिए दूसरा कोई है ही नहीं। जिसको तुम कहते हो ना दूसरे ने मारा, वो कहते नहीं, वो भी मेरा अपना आप है। वह भी मेरा ही अपना आप है। तो अपने आप की मार आपको लगी तो क्या हो गया? एक माता जी का पता चला वो बाथरूम में गिर गई तो उसके हड्डी टूट गई। पूछा उसको क्या लग गया था जो हड्डी टूट गई? मैंने हड्डी टूटा ही, कोई लोहे की चीज थी बाथरूम में, कोई स्टूल था, क्या था? कहते नहीं, अपना ही वजन आ गया था, होता हो। अब क्या करेगी? अपने आप को गाली देगी क्या? कुछ नहीं, आराम से पट्टी वट्टी करा के आराम करेगी, इंतजार करेगी। लेकिन शिकायत किससे करे? तो किसने मारा? तय मारेया। किसने दूध पिलाया? तय पिलाया। किसने पट्टी करी? तय करी। सब तो हाथ जोड़ करके बारंबार कबीर साहब को नमस्कार करें कि आपके जैसा कौन होगा ऐसी चोट लगने पर भी, जो ये नहीं कह रहा कि वो आदमी ने मारा है मुझे, और जाकर के जाओ पीट के आओ उसको, मार के आओ उसको, अपना भी है सब। सब और तू ही है, भक्त कह रहा है सब और तू ही है, सब रूपों में तू ही है। सदगुरु के मन में मैं और तू का द्वंद्व नहीं, इसीलिए सदगुरु तुमसे प्यार इतना गहरा करता है, क्योंकि वो तुम में अपना आप देखता है। तुम्हारे लिए गुरु भिन्न है तुमसे, लेकिन गुरु के लिए तुम उसका स्व हो, उसका अपना आप हो। इतनी गहराई से तुम्हें कोई भी संसार का व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुमको अपने आप से अलग देखता है। लेकिन गुरु तुमको अपना स्व देखता है, अपना आप देखता है, अपनी मैं को तुम में छलकते हुए देखता है। इसीलिए गुरु मल रहित है, अचल है, साक्षी है, भावनाओं से परे। तुम्हारी भावनाएं रोज ऊपर नीचे होती रहती, आज भावना ही प्यार आ गया गुरु जी के लिए, कल भावना नीचे चली गई, अब मेरे को गुरु से कोई मतलब नहीं। आज भावना जग गई, मैं गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कल भावना नीचे चली गई, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हारी भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती, गुरु की सदैव मन शांत है, धैर्य में है, अपने आप में है, इसलिए भावनाओं का असर उस पर कुछ नहीं। सदैव करुणाशील होकर तुम्हें प्यार करता है, सदैव। सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित है,
मन में तीनों गुण होते हैं, रजो भी तमो भी सतो भी। कभी रजोगुण बढ़ जाएगा, कभी तमोगुण बढ़ जाएगा, कभी सतोगुण बढ़ जाएगा। पर जब गुण बदलते हैं तो बंदे का स्वभाव, व्यवहार, जीवनचर्या सब कुछ बदल जाता है। पर सद्गुरु के सत्व, तम, रज गुण उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, इसलिए ऐसे श्री सद्गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं, जो परम सुख देते हैं, जो स्वयं अनादि सुख में स्थित हैं। अब तुम्हारा मन द्वंद्व में है ना, तो कभी तुम अच्छा काम करते हो, कभी तुम बुरा करते हो, कभी तुम्हें कोई अच्छा लगता है, कभी तुम्हें कोई बुरा लगता है। वही इंसान कभी बुरा कभी अच्छा, गुरु के लिए सब एक सा बराबर। कभी कभी लोग जाने क्यों, उनके मन में कुछ खटपट होती होगी, इसलिए वो कभी कभी हमसे पूछते, गुरु माँ आप हमसे नाराज हैं, गुरु माँ क्या आप हमसे नाराज हैं। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि भाई मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ, कोई कारण? कहते नहीं हम ऐसा ऐसा ऐसा। मैं देखो तुमने जो किया वो तुम्हारे ऊपर है, आप कुछ गलत करोगे तो आप उस गलती का दंड भोग लोगे, कुछ अच्छा करोगे तो अच्छे का फल मिल जाएगा। तो आपकी किसी गलती पर हम कैसे नाराज हो सकते हैं? तुमने स्वयं को खुद ही तो दंड दे लिया कुछ गलत कार्य करके, तो अब हम ऊपर से दंड कैसे दे सकते हैं? गुरु न नाराज है न नाराज हो सकता है। गुरु खुश भी नहीं होता है। अब तुम इतने लोग आए हो तो क्या अब हम भंगड़ा डालें कि इतने लोग आए हमारे शिविर में, क्या करें? आए आए, नहीं आए नहीं आए, मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक। आपको लगता है कि हम ये काम करें या ये कोई चीज दें तो उससे गुरु खुश हो जाएगा? गुरु सदैव खुश है, तुम उसको खुश क्या करोगे? और नाराजगी उसको कभी किसी से होती नहीं। ईसा को जिन लोगों ने सूली दी, जिन लोगों ने उनको टांग दिया क्रॉस पर, वह सूली पर लटके हुए प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हे ईश्वर, इनको क्षमा कर देना। वो उसको मार रहे हैं और वो उसके लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे जिंदा रख लेना, मैं मर ना जाऊं कहीं। पर उन्हें अपनी पीड़ा नहीं दिख रही। अपने मारने वालों के लिए भी वो प्रार्थना करते, प्रभु इन्हें मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं, बेहोश, इन्हें पता नहीं, प्रभु इन पर दया रखना। गुरु सदैव करुणाशील है, सदैव। मुझे स्मरण आ रहा है दयानंद जी को जहर जिस रसोइये ने दिया, उस रसोइये को खुद दयानंद जी ने पैसे दिए और कहा तू बस अब भाग जा, क्योंकि तू यहां रहा तो मेरे भक्त लोग तुझे मार देंगे। खुद पैसे दे रहे कि मेरा जो हुआ सो हुआ, अब मेरी फिक्र छोड़, तो ये पैसे ले और निकल। अपने कातिल के छूटने का उपाय कर रहे। संत सदा दयावान है, सदा करुणाशील। जो उनसे प्रेम करे उनसे भी, जो उससे घृणा करते हैं उसके लिए भी, जो उसको दान दे उसके लिए भी, जो उसको पत्थर मारे उसके लिए भी। परम सुख देने वाले, जो केवल ज्ञान की मूर्ति है, जो केवल आनंद की मूर्ति है, जो केवल गगन सदृश है। गगन सदृश बड़ा एक गहरा शब्द है। गगन माने आकाश। आकाश में बादल आ जाएं, आकाश तो भी खाली रहता है अनछुआ। सूर्य चांद तारे सब नक्षत्र इसी आकाश में हैं, तो भी आकाश है अनछुआ।
Guru is like space. And space always remains untouchable. Nothing touches it. All the constellation, planet, earth, sun, moon, stars, all the galaxies, all the Milky Ways, nothing can fill up the space. Space is always empty. Guru is like a space, always empty. Akash ki nyai hai Guru. Gagan sadrisham. Ek ek shabd dekho kitna sundar. Tattvamasyadi laksham. Tattvamasi mane main wahi hoon. वह इस अनुभूति में सदैव रहता है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, और उसकी ये मैं उसकी देह के अंदर सीमित मैं नहीं, उसकी मैं भी व्यापक हो चुकी, सारी मैं उसकी मैं में लीन हो गई। तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकम् नित्यम् विमल अचलम् अचल है, अचल है। अचल माने डोलता नहीं, डगमगाता नहीं, अडोल रहता है, चाहे कुछ हो जाए। सर्वधी साक्षी भूतम, धी माने बुद्धि, सर्व बुद्धियों का वो साक्षी है, मतलब उसके सामने कोई मूर्ख है कि ज्ञानी है कि बुद्धिमान है कि बुद्धू है, वो निरापद साक्षी रहता है। साक्षी अर्थ दृष्टा, साक्षी अर्थ देखने वाला। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, ऐसे सद्गुरु को हम प्रणाम। देखो अब ये सद्गुरु के लक्षण कितने सुंदर दिए। जो लोग पूछते हैं ना गुरु का लक्षण क्या है, कैसे समझ लगे कौन गुरु, ये देखो ना कितने सुंदर लक्षण दे दिए। जो छोटी छोटी बात पे खुद ही दुखी हो रहा हो, जो ये मेरा सगा है तू मेरा सगा नहीं है, ये चेला मुझे प्रिय है तू मुझे प्रिय नहीं, जिसे माँ बाप बच्चों में फर्क करते हैं, ऐसे गुरु अपने शिष्यों में फर्क करने लग जाए। देखो गुरु शिष्यों में फर्क नहीं करता, बस इतना ही भेद है जो शिष्य जितना निर्मल होगा, मल रहित होगा, प्रेम पूर्ण होगा, वह उतना ही गुरु का कृपा पात्र हो जाता है। ये नहीं कि गुरु उसको कृपा दे रहा है, ये कहो कि वो कृपा को अपने अंदर संभाल पाता है। गुरु नहीं दे रहा, सब बैठे हो सबको एक ही ज्ञान सुनाया जा रहा है, पर सबको एक सा ज्ञान आने थोड़ी वाला है, किसी को कुछ समझ आएगा, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, और किसी को कहते तू ही है समझ आया, बाकी कोई नहीं समझ आया। जो गाना था ना वो समझ आया, बाकी कोई नहीं समझ आया। बादल बरसता है, एक सब बरसता। कल जब बारिश हुई तो बारिश ने ये थोड़ी कहा कि मैं अच्छी अच्छी जगह पे तो बारिश करूंगी पर जहाँ गोबर का ढेर है मैं वहाँ नहीं गिरूंगी। ऐसा हुआ, वो गोबर में भी उतनी गिरी, वो सरोवर में भी गिरी, वो घास में भी गिरी, तुम्हारे सर में भी आई। बारिश ने कोई भेदभाव नहीं किया, पर जहाँ जहाँ खड्डा था वहाँ वहाँ बारिश का पानी रह गया, जहाँ जहाँ ऊंचा था वहाँ से पानी बह गया। तो गुरु तो सब पर कृपा कर रहा है, पर जो शिष्य जितना समर्पित होता है उतना ही गुरु से वो कृपा का लाभ ले लेता है। इसलिए कभी भी गुरु पर ये उंगली नहीं उठानी चाहिए कि गुरु भेदभाव करता है। गुरु भेदभाव नहीं करता है, पर मूर्ख नहीं समझ पाता है तो वो अपनी कमी नहीं देखता है, गुरु की कमी देखता है। यहाँ गुरु गीता में आगे ऐसे श्लोक आने वाले हैं कि जो गुरु में दोष दृष्टि रखता है, जो गुरु में दोष देखता है, ये कितने बड़ा पाप होता है, ये कितना बड़ा दुष्कर्म होता है। हाउ कैन यू जज द गुरु, यू कैन नॉट। Guru has some certain ways to do. If you cannot understand, then you should better remain silent. Do not object. You cannot object. क्योंकि अगर तुम गुरु के ऊपर भी किंतु परंतु लगा दो तो फिर तो तुम गुरु के गुरु हो गए, फिर तुम चेले तो रहे कोई नहीं, और घर बैठे गुरु के गुरु हो गए। गुरु जी से तो पूछो ना कि वो आपको गुरु की तरह देखते भी हैं या नहीं देखते।
आप गुरु को एडवाइस नहीं कर सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो. नाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस. आप गुरु को सलाह नहीं दे सकते हो कि गुरुजी आप ऐसे मत किया करो या ऐसे किया करो. हाँ, आप ये कह सकते हो, सुझाव दे सकते हो, वो माने ना माने उनकी इच्छा. फिर से याद आ रही है स्वामी बुआ जी की, वो कोई उनको बोल दे कि जैसे उनकी बेटी उनके साथ थी तो उसने कहा कि चलो चलो अप्पा सो जाओ, अब थोड़ा आराम कर लो, तो इग्नोर करते रहे बहुत देर तक. पर वो थोड़ा ज़्यादा बोलती है, फिर एकदम से उनको झल्ला के चिढ़ के बोलते हैं, यू कैन नॉट आर्डर मी, हु आर यू, हु आर यू. वो आगे से बोली, आई एम योर डॉटर, नो बडी इज माई डॉटर, यू कैन नॉट आर्डर मी, यू कैन नॉट से डू दिस, यू कैन ओनली गिव योर ओपिनियन. बोलने का तरीका, ओपिनियन, गिव योर ओपिनियन, डोंट आर्डर मी. तो जब वो डांटते तो इतने जोर से अच्छे अच्छों का दिल कांप जाए. तो फिर वो चुपचाप खिसक गई, कहती अब इस समय सुनेंगे नहीं हमारी बात को. और वो चाह रही थी कि थोड़ा विश्राम कर ले, पर ऐसे योगी को जैसे वो हैं उन्हें कहाँ विश्राम चाहिए, कोई ना आराम चाहिए ना विश्राम चाहिए. खाया तो खाया, मेरे से फ़ोन में बात होने के बाद से मैं कोई 12 दिन बाद उनको मिलने जा पाई बैंगलोर. 12 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया. ले अम्मा आएगी तो खाऊंगा, 12 दिन तक कुछ नहीं खाया. दूध दे दें, लस्सी दे दें, खाना रखें, कुछ नहीं. इडली बड़े शौक से खाते हैं, वो नहीं खाऊंगा, आएंगे तो 12 दिन तक बिना खाए. 125 साल का शरीर हो और भोजन भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं खाना. जब गई हूँ तो जाकर के फिर मंगाया गया, तो क्योंकि किसी और के आश्रम में रुके हुए थे तो व्यवस्था करने में भी समय लग गया. कुछ 2-2.5 घंटे बाद जाकर के भोजन आया, तो मेरे साथ उन्होंने खाया. और फिर वो इडली का टुकड़ा निकाले, अम्मा खाओ, खा लिया. तो उनको क्या खाने की आवश्यकता है ना, अन्न के ऊपर आश्रित नहीं है उनका शरीर. उनका शरीर तो प्राण ऊर्जा से चल रहा है, ऐसे योगी को क्या जरूरत है. यहां हमारे पास आए हैं जब, तो उनके सामने हम भोजन रखें, कोई और दे मना कर देते थे कि नहीं बस और नहीं खाना, खाना ही नहीं है. जब मैंने बोलना ना, अच्छा स्वामी बुआ जी खाएं, ओके, तो थाली रख दी. और जब तक मैं अपने हाथ से देती जाऊं, उन्होंने मना नहीं करना कि क्यों दे रहे, चाहे जितना मर्जी डालते जाओ. क्यों, योगा अग्नि में सब उनका हजम है, उनको कुछ दिक्कत थोड़े, कोई पाचन तंत्र उनकी पकड़ से दूर थोड़े. पर फिर खुद ही हम देख लेते थे कि अब इससे ज्यादा उनके लिए अनुकूल नहीं बैठेगा, तो ठीक है, तो ठीक है. भोजन के बाद दूध लेते, पानी नहीं पीते थे, दूध पीते थे, गरम बॉइलिंग हॉट मिल्क, और पीते भी पाइप से, स्ट्रॉ. नो वन कैन ड्रिंक इट, पी के देख लीजिएगा, ट्राई करिएगा. उबलता हुआ दूध पाइप से पीने की कोशिश, जीभ जल जाएगी पूरी आपकी. वो एक ही बार में पूरा जो 250 मिलीग्राम दूध आएगा ना गिलास में, एक ही बार में पूरा खत्म. वो एक दिन पाइप नाक में डाल के बैठ गए, कहते यहां से पीऊं, मैं जहां से मर्जी पीऊं, आप तो कुछ भी कर सकते हो. कुछ भी करिए आप, कोई दिक्कत नहीं. मैं पर वैसे मुंह से लोगे तो ज्यादा मेरे में अच्छा है, मतलब क्योंकि मैं नाक से नहीं पीऊंगी ना, आप पियोगे, आपकी मर्जी है.
किरे नहीं चलो ठीक है मुंह में वापिस रख लिया. बॉइलिंग हॉट मिल्क इवन वाटर वट एवर लिक्विड ही ऑलवेज नीड्स इट हॉट. कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं. अब आप सोचो कि हम उनको अच्छा भोजन लेके खिलाएंगे तो वो बड़े खुश हो जाएंगे. भोजन से खुश नहीं होते सिर्फ प्यार सिर्फ प्रेम. ऐसा योगी ऐसा तपस्वी प्रेम में पिघल जाता है. जो लोग 2 साल पहले की गुरु नानक जयंती पर यहाँ थे उन्होंने उनको देखा है. मंच पर मेरे साथी बैठे हुए थे अपने आसन पर. जब हमने गाया है जिस समय मैं गा रही थी उस समय रो रहे थे आंसू बह रहे थे उनके. जिन्होंने हिटलर का गला पकड़ लिया था क्योंकि हिटलर ने कहा डू यू नो हु आई एम तो इन्होंने वापस उसका गला पकड़ लिया था. डू यू नो हु आई एम हु आर यू. जैसा साहस और निर्भीक अभय किसी से जो कभी डरा नहीं. जब हम गा रहे थे तो उस समय पिघल रहे थे एकदम मोम की तरह पिघल रहे रो रहे थे रो रहे थे और बोल नहीं पा रहे थे. जब उनको माइक दिया कि अच्छा कुछ बोलेंगे तो बोल नहीं पा रहे हैं बस इतना ही अम्मा ऐसा हाथ करे अम्मा मेरी और बस फिर से रोने लग जाए. इतना भाव इतना प्रेम इतना योग में निष्णांत परफेक्ट होने के बाद भी प्रेम में वो ऐसे जो पिघलते हैं. ऐसे संत जनों का दर्शन पावन पवित्र पुण्यशील होता है. पुण्यशील तुम जान के हैरान होगे. उन्होंने योग सिखाया तो कईयों को लेकिन उन्होंने आज तक किसी को शिष्य नहीं स्वीकार किया क्योंकि उनकी कसौटी पर कोई पूरा उतरा नहीं है. जिन्होंने पिछले 30-40 साल से उनसे सीखा है उनको भी वो स्टूडेंट बोलते हैं. ये मेरा स्टूडेंट है शिष्य नहीं कहते. उनकी कसौटी में खरा उतरना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन उनकी करुणा सब के ऊपर बराबर एक सी है. ये पहचान है गुरु की. भेदभाव नहीं करता वो किसी से. सब पे करुणा है सबको ज्ञान देता है सबका साक्षी है और स्वयं गगन सदृश रहता है. कोई आवे कोई जावे कोई जिए ना जिए कोई मरे कोई ज्ञान ले ले कोई ना ले कोई मूर्ख रह जाए कि कोई बुद्धिमान हो जाए कि कोई बुद्ध हो जाए वो साक्षी ही रहता है. उसमें उसको कोई उपलब्धि नहीं लगती कि मैंने इतने लोगों को ज्ञान दे दिया मैंने इतने लोगों को मंत्र जप दे दिया मैंने इतने लोगों को ये सिखाया मैंने इतने लोगों का जीवन बदल दिया. ऐसा कोई दावा नहीं करता है. वो आकाश की न्यायी गगन सदृशम सर्वधी साक्षीभूतम. गुरु गीता की इस चर्चा को अभी यहीं तक रखते हैं. शेष चर्चा बाद में होगी. जिन सतगुर सो चित जोड़ दिया वो और से चित को लगाए क्या लगाए क्या. जो सतगुरु सो चित जोड़ दिया जो सतगुरु सो चित जोड़ दिया वो और से चित को लगाए क्या जो सतगुरु सो
चित जोड़ दिया जो सतगुर सो चित जोड़ दिया वो और से चित को लगाए जो सतगुरु सो चित जोड़